बोलन गए वीरो जिन्ना तुसी उन्हां नूं प्यार करदे आ उन्हां दा कहना भी मन्निया करो जिदा वह कहिंदे ने जिस तरह वह कहिंदे ने उन्हां दा कहना मन्निया करो जिन्ना तुसी प्यार करदे हो नौजवान वीरां नूं हाथ जोड़ के बेनती है हुण तुहाडे रूह रूप मंच ते होणगे बब्बू मान सारयां नूं सत श्री अकाल। बाबा गुरु नानक देव जी दे चरणां च मत्था टेकण वाले सारे मेरे वीर गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो बड़ी इस अंदोलन दे करदे भाई इधर हो जाओ ओके सब तो बड़ी खुशी साढ़े हिस्से आई है जिदे च सब तो वध योगदान ये साढ़े कबड्डी वाले नौजवानों का ये मंगी ते बाकी साथी ते उतों वड्डा योगदान साडा छोटा वीर मनतीर ते गाजी होरां दा जिन्होंने बैठ के एक सलाह बनाई तो सानू भी शामिल करिया। सो जिहड़ी चिरां तो एक गल आम पिंडां च रड़कदी सी कि एका नहीं उह अज एका हो गया तो एक नारा बाबा जी दे चरना जपां यह कह के लाउणा है कि भविख च बच्चे बुढ़े बजुर्ग नौजवान साडा इको राह है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर असी ये अंदोलन जितना है। और गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा। छोटे छोटे तकरार कई बार सानू एक दूजे तो बहुत दूर कर देने परमात्मा करे कि साडे च तकरार ना होण और असी रल के चलीए। और ये तो भी अगे जाके असी ये सोचना है कि इस अंदोलन नू जे लंबा चलता है तो ये पैसे की बचत किमें करनी है तो टोलियां बना के असी बारों बारी किमें दिल्ली पहुँचना है। और इस तो भी अगे ये अंदोलन ये तो जितया जताया ये तो जिहड़ा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है थोड़ा जिहा राउंडी है ढीठ है हार नहीं मानता। सो गुरु के चरणों में बेनती करते हैं कि छेती छेती गुरु घर आवे मत्था टेके ते अपनी भुल बख्शा के संगत च बैठ के पंगत च बैठ के प्रशादा छके असी उहदे लई भी दुआ करांगे क्योंकि असी भाई कन्हैया दे भी बच्चे हैं सानू कोई दुश्मन भी नहीं लगता साडी लड़ाई जरूर है पर असी कदे किसी का माड़ा नहीं सोचते। और अगां भविख च असी कोशिश ये भी करते हैं उपराला तो इन्ह जथेबंदियों ने भी साडे नाल रल के बहुत किया मनजीत सिंह होरां ने पर एक बेनती मनजीत सिंह नूं भी करते हैं भी दुआबे वालियां तां कट्ठियां कर लियो तुसीं छेती छेती जिहड़ियां दुआबे दियां जथेबंदियां इन्हां दी एक बनाए दई आपां आउण वाले दिनां च एक ताड़ी मार दिओ जोर दी क्योंकि जे सत सत दी इक बनाती सत चौका अठाई पहला चार बन गईआं उपर चार रह गईआं उन्हां दी इक बना के हौली हौली फिर एक ही कर देंगे। सो असी सारयां दे एके दे मदई हैं हामी हैं असी चाहुंदे हैं कि आपस च साडी तकरार ना होवे समाजिक मीडिया ते साडी शैली उही होवे जिस तरह के साडे किरदार हैं घटिया पद्धर ते ना उतरीए अपणियां नूं गालां कढ़णियां बंद करिए जे लड़ना है तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ना अपने पिंड की लड़ाई लड़नी है अपने देश की लड़ाई लड़नी है अपनी कौम की लड़ाई लड़नी है। सो असी उम्मीद करते हैं कि बहुत छेती ये संयुक्त मोर्चा भी अगले धरने तक एको मोर्चा आऊगा जिदा ना होवे पंजाब किसान मोर्चा। सो महाराज मेहर करन गज के आखो हाँ मनजीत बोलूगा मनजीत साडा ही है। सो जिहड़ी मैं तुहानू गल दसणी है तुहानू शायद नहीं पता जिद्दण दा अंदोलन चल रहा है ये जिहड़े साडे कबड्डी वाले नौजवान है जिन्नी सेवा इन्होंने करी है शायद नहीं किसी ने करी
पर वो नौजवान है जिन्होंने कदे क्रेडिट ही नहीं लिया, तो मैं इन्हों थोड़े रूबरू जरूर कराऊंगा। मंगी सो अज दे इस महंगे दौर च कोई है जिहड़ा कम करके अपनी पोस्ट या सैल्फी पा के ये क्लेम ना करे भी मैं ये कम करिया, पर ये वो नौजवान है, ये बाबा गुरु नानक साहब के चरणों नूं समर्पित है, ये सिर्फ ते सिर्फ सेवा करते हैं। एक जयकारा कबड्डी वाले के नाते, बोले सोनिहा, सारे हथ खड़े करके एक बारी मिस्टर प्राइम ने मैं मीडिया नूं बेनती करदा कि साडियां फोटो ना बनाओ, ये जिहड़े हथ खड़े हैं ये फोटो खिंच के दिल्ली वाले मीडिया नूं भेजो कि असी एक कैमरे पिछे कमाओ, बाहां उपर है भाई तुहाडियां, कमा लो इन्हों नूं, कमा लो, एक मिनट इत्थे ही रखियो, कमाला पुत्रा कमाला संग लगदी है। जे पंजाबी हद्दां ते लड़ सकते हैं, जे पंजाबी देश की राखी कर सकते हैं, तो साढ़े कोल सबर भी बहुत है। बाबा गुरु नानक साहब ने सानू सिखाया है साढ़े च सबर भी बहुत है, तू साडा सबर ना परख, असी जित नहीं देवांगे तेरे आखिरी साह तक। साडा इको नारा है कि ये बिल तो वापस लेने पैने हैं, साडियां कणकां दे मुल 7000 रुपए क्वांटल मुकर्र करना पैना है, साडियां दालां दे मुल मिथणे पैने हैं। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा। जे ऐसे तरह साडियां सिरमौर पंथक जथेबंदियां किसान जथेबंदियां कबड्डी वाले नौजवान गभरू, दूजी बेनती मैं होर करूंगा, पंजाब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है जेडे केस दिल्ली च रजिस्टर होए हैं वो केस इत्थे लियांदे जाण ताकि असी सुचजे ढंग नाल पैरवी कर सकीए। सो साडे नौजवान जल्दी तो जल्दी बाहर आ जाण ते अगाह भविख च असी कोशिश करिए शांति नाल ही जितीए, शहीद आजम भगत सिंह दे चरणा च मत्था टेक के प्रण करिए कि अपने लिए नहीं अपनी कौम ते अपने कुणबे लिए लड़ांगे। सो दो शब्द मनजीत सतसंग जी, गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें बब्बू भाई ने